नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है युद्ध तक में, जहां हम बात करते हैं युद्ध तक की। आज हम बात करेंगे यहां पर IOCL, जी हां दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में आपने नाम सुना ही होगा। आज मैं यहां पर कोई जॉब रिक्रूटमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं यहां बात करूंगा IOCL कंपनी के बारे में। बेसिकली IOCL कंपनी क्या है, ये सारी जानकारी जानेंगे हमारे साथ और अभिषेक जगनोरी जी के साथ, जिनके पास एक्सपीरियंस है IOCL का। तो सबसे पहले बात करेंगे IOCL कंपनी क्या है। IOCL भारतरत्न कंपनी, जिसके बारे में आप लोगों को हमने पहले ही बता चुका है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑयल पेट्रोकेमिकल्स है, सब कुछ होता है इसमें। और सर सेक्शन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हो गए, और अपना डिपो हो गया, पाइपलाइन डिवीजन हो गया है, मार्केटिंग डिवीजन हो गया, ऐसे बहुत सारे डिवीजन हैं। तो उसमें आप वैकेंसीज में बहुत सारी आती है और तैयारी आप इसके लिए कर सकते हो। उसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं। हालांकि अभी जो है बहुत सारी चीज़ें IOCL प्राइवेटाइजेशन पर जा रहा है, और रिफाइनरीज हैं बहुत सारी इसकी, 7-8 रिफाइनरीज हैं अपने इंडिया में, जिसमें मथुरा रिफाइनरी, डेगावर रिफाइनरी, गुजरात में रिफाइनरी है, और अपनी राजस्थान में रिफाइनरी है, और अपनी मुंबई में रिफाइनरी है, और साउथ में भी रिफाइनरी है दोस्तों। बहुत सारी रिफाइनरीज हैं इसमें, इनमें भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट आते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया, ITI किया है, या फिर आप कॉमर्स फील्ड से हो या किसी फील्ड से हो, तो हर फील्ड के लिए कंपनी में रिक्रूटमेंट आता है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या फिर कोई MTS का काम हो, या छोटी से छोटी पोस्ट हो या बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, तो आप इसमें ले सकते हो, इसमें ज्वाइन कर सकते हो IOCL। और जो सैलरी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ दोस्तों, अगर बेसिक आपके अगर ज्वाइन करते हो न्यू पोस्ट के लिए, तो नियर अबाउट आपकी सैलरी हो जाती है 55,000 से 60,000 रुपये आपकी नई सैलरी रहेगी। तो पोस्ट वाइज भी बात कर लेते हैं, नहीं जो नई पे कमीशन के हिसाब से 60,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। पोस्ट की अगर बात कर लें, तो पोस्ट क्या क्या होती हैं, पोस्टें अगर हम पोस्ट बात करें, अगर डिप्लोमा बेसिस पे, इंजीनियरिंग बेसिस पे, टेक्नीशियन, अगर आपने ITI किया है 10th के बाद, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन पोस्ट बहुत सारी निकलती है, जिसमें आपकी ITI जो बेसिस पे, जो अगर आपने केमिकल से किया है, केमिकल इन ITI, या अगर आपने मैकेनिकल से किया, फिटर से किया, मशीनिस्ट से किया, इलेक्ट्रिशियन से किया, इलेक्ट्रॉनिक से किया है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फैब्रिकेशन और फिटर से भी वैकेंसीज निकलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर IOCL जो अपनी इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत देखरेख करी जाती है कंपनी में। ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या सेफ्टी के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है? सेफ्टी के लिए दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, फायर सेक्शन होता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। हाँ। तो उसके लिए अलग से आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट आता है। अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है इन फायर एंड सेफ्टी, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है इन फायर एंड सेफ्टी, तो उसके लिए बता दो, एक दोस्तों बुक भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है। अगर आप फायर से रिलेटेड IOCL में वैकेंसी की तैयारी कर रहे, तो वो डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट सेफ्टी से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में फायर सेफ्टी से या सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्लियर कर सकते हो। और ये दोस्तों मैं एक बोलना चाहूँगा कि कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि बुक इंग्लिश में है, हिंदी में, तो बेसिकली बुक इंग्लिश में है, हिंदी कवर है, तो आप कर सकते हो उसे डाउनलोड, ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, बाकी दोस्तों अगर कुछ कमेंट और सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नए वीडियो, नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।